राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां कांग्रेस को जोर का झटका लगा है, तो वहीं सपा की साइकिल भी पंचर होती नजर आई है। लेकिन ऐसे में बीजेपी ने जो दमदार जीत दर्ज की है, वो उम्मीदों से परे थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एमपी में पूरा जोर शोर लगा दिया, लेकिन उनका खाता वहां नहीं खुला। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब होकर क्या कुछ कहा है, वो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए संबंधित राज्यों के नेतृत्व को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2024 में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे हैं। साथ ही उन्होंने तीनों राज्यों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी शुभकामनाएं दी हैं। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।